इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर फिल्म तुम्हारी सुलू और अक्सर 2 के साथ साथ एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसका इंतजार सिने प्रेमियों से ज्यादा राजनेताओं को रहा। जी हाँ, आपने सही पहचाना, सुर्खियों में रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बनी फिल्म एन इनसिग्निफिकेंट मैन आज रिलीज हो गई है। फिल्म में सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर राजनेता बने अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफर को पर्दे पर उभारने की कोशिश की गई, जिसका निर्देशन खुशबू रांका और विनय शुक्ला ने साथ मिलकर किया है और आनंद गांधी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एंटी करप्शन मूवमेंट और उसके बाद की घटनाओं को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि आंदोलन के बाद कैसे कुछ लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। वही फिल्म की शूटिंग में आंदोलन और बाद की घटनाओं को दिखाने के लिए रियल फुटेज का इस्तेमाल भी किया गया है। इसमें 90 मिनट की निकाली गई रिकॉर्डिंग शामिल है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा के प्रचार माध्यमों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संघर्षों को भी दर्शाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में केजरीवाल के बारे में अच्छा बुरा सब कुछ दिखाया गया है। क्रिटिक्स ने ओवरऑल फिल्म को 3 स्टार दिए हैं। अगर आपको इस बात को जानने की दिलचस्पी है कि कैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन से सीधे दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाता है, तो आप भी इस फिल्म को देख सकते हैं। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।